बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर भोगनीपुर थाना अंतर्गत पीपरी गांव में मध्य रात्रि एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी, बच्चे, भाई, भाई की पत्नी तथा उसके बच्चों कुल 7 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। वार करने वाले फरार आरोपी को भोगनीपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार। इस घटना में एक बच्ची की हुई मौत। घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार की देर रात्रि पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौके की स्थिति का किया निरीक्षण। पीड़ित परिवार के सदस्यों तथा गांव के ग्रामीणों से घटना के संबंध में हासिल की जानकारी। गिरफ्तार आरोपी से घटना के संबंध में भोगनीपुर थाने में हो रही है कड़ाई से पूछताछ। पूरी घटना कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना अंतर्गत पीपरी गांव से है। थाना भोगनीपुर में एक घटना घटित हुई है, उसमें क्या संज्ञान? देखिए, आज थाना भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत पीपरी गांव में एक महिला जो अपनी पहले पति का स्वर्गवास होने के बाद दूसरी शादी की थी, दूसरी शादी से जो उनके पति थे दीपू नामक व्यक्ति, उन्होंने आज दरादर हथियार से उक्त महिला, उनके 2 बच्चे, उनके देवर, देवरानी और उनके 2 बच्चे के ऊपर दरादर हथियार से वार किया था। उसमें एक 6 साल की बच्ची की मृत्यु हुई है, बाकी अन्य लोग गंभीर रूप से घायल थे। तुरंत उन्हें चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया और उनमें जो उमंग नामक जो बच्चा है जो थोड़ा और क्रिटिकल थे उनको कानपुर हेलेट भिजवाया जा रहा है, बाकी अन्य लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसमें जो अभियुक्त हैं उनको तुरंत जो भागा हुआ था उनको तुरंत टीम गठित कर हमारी टीम ने उनको हिरासत में ले लिया है। उनको कड़ी पूछताछ की जा रही है, जो भी विषय सामने आएंगे आपका अवगत कराया जाए।